नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञान मानी। इस वक्त सीधे चलेंगे इंदौर। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में 175 मरीज सामने आए थे, जहां पर 300 का पुलिस बल अधिकारी तैनात किए गए थे। फिलहाल में यहां पर 10 कंटेनमेंट एरिया भी प्रशासन की ओर से बनाए गए थे। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में 175 मरीज कोरोना के सामने आए थे, वहीं 25 मौतें भी हुई थी, जहां पर 300 का पुलिस बल अधिकारी तैनात किए गए थे। लेकिन समय समय पर डीआईजी आईजी मौके पर पहुंचकर पुलिस जवानों का हालचाल और उनका मेडिकल चेकअप करवा रहे थे। उसके चलते ही कोई भी पुलिस जवान या अधिकारी संक्रमण की दौर की चपेट में नहीं आया। पुलिस आला अधिकारी लगातार अपने जवानों का हालचाल पूछते हुए नजर आए थे, तो वहीं इनको समय समय पर चेकअप भी किया गया था, जहां पर एक भी पुलिस कर्मी जवान इस संक्रमण की चपेट में नहीं आया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शेख। ओमकारेश्वर परियोजना की तृतीय चरण की माइनर नहरें चढ़ी, भ्रष्टाचार की भेंट। वर्षों बीत जाने के बाद भी आज भी पड़ा है अधूरा निर्माण कार्य। मनार विधानसभा से ओमकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर से किसानों के खेतों तक पहुंचाने वाली माइनर नहर आज भी कच्ची पड़ी, जिसे सीसी निर्माण कर पक्की बनाना था, तब जाकर छोर के आखिरी किसानों को मिलता पानी। मगर अधूरे निर्माण से नहीं पहुंच रहा आखिरी छोर तक पानी। 10 वर्ष से किसान कर रहे पानी का इंतजार। संबंधित अधिकारियों को सैकड़ों बार किसानों ने की शिकायत, फिर भी नहीं हुई किसानों की कोई सुनवाई। अब देखना है कि सरकार इन किसानों की कब तक करता है सुनवाई, या ऐसे ही किसान पानी के लिए तरसता रहेगा। मनाव से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशोक पाटीदार। नेशनल हाईवे 547 की चकरी घाटी में टूटी सड़क दे रही हादसों को निमंत्रण। नेशनल हाईवे 547 की सिल्लेवानी घाटी में लगभग एक साल से अधिक समय पूर्व भूस्खलन के कारण सड़क खाई में समा गई, जिसके कारण सड़क सक्रिय हो गई। साथ ही सड़क के एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ पहाड़ी है, जिससे आए दिन पेड़ पत्ते और पत्थर सड़क पर गिरते रहते हैं। आए दिन इस स्पॉट पर घटनाएं होती रहती है। ऊपर से इस सड़क पर यातायात का दबाव अत्यधिक होने के कारण कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना की आशंकाएं बनी रहती है। कहने को तो जिम्मेदार विभाग 2 करोड़ की लागत से ग्लोबल वाल बनाने की बात करते हैं, किंतु यह सत्य है कि यह वाल बनने में वर्षों बीत जाएंगे। इस सड़क पर यदि आप सफर कर रहे हैं तो घाटी से निकलते समय जाम हथेली पर लेकर निकलना पड़ता है। अभी हल्की बारिश में कई बार घाटी में लंबा जाम लग चुका है। कहीं ऐसा न हो कि इस बार की बारिश से पूरी सड़क ही खाई में समा जाए। अब देखना है कि जिम्मेदार विभाग इसकी सूझ लेता है या फिर लोगों की जान से खिलवाड़ करता ही रहेगा। यह सड़क कई सालों से टूटी हुई है, जिसकी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, क्योंकि जिम्मेदार किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। देखना है कब तक यह सड़क बनती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर गिरेश भारपुर। 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रदेश की पार्टियों में दल बदल का सिलसिला जारी है। आज दत्ती गांव विधानसभा के 300 कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश में 24 विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के दल बदल का सिलसिला जारी हो चुका है। आज दत्ती गांव विधानसभा क्षेत्र से करीब 300 नेताओं ने, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी से आने वाले नेताओं के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी रण पर अपनी विजय पताका लहरा पाएगी या नहीं। 24 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में दामन थाम रहे नेताओं के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव निकाल पाएगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। नगर निगम की लापरवाही के चलते पहली बारिश में ही लोगों के घरों में पानी कूद गया। लोगों ने नगर निगम को वीडियो भेजना शुरू कर दिया। नगर निगम द्वारा नाला निर्माण कर शहर में काम किया जा रहा है, लगातार पूरे इलाके में काम किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है, लेकिन ये बेतरतीब निर्माण ही लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। नगर निगम की निर्माण की लापरवाही के चलते ही लोगों के घरों में पहली मानसून की जो बारिश हुई है उसी में ही घरों में पानी घुस गया। लोग लगातार इसके वीडियो बनाकर निगम के अधिकारियों को भेजते रहे, पार्षद को भेजते रहे, मेयर को भेजते रहे, लेकिन इस मामले में जो निगम के अधिकारी है वो घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और ना ही लोगों से जानना चाहा कि आखिर कहां से पानी पहुंचा और ना ही और कैसे उनके घर में पानी घुसा, ना ही उनकी तकलीफों को सुनने की जरूरत महसूस की। लोगों के घरों में पहली बारिश में ही पानी घुस गया और नगर निगम की लापरवाही है जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुसा है। लोग परेशान हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है और रात में लोग परेशान होते रहे पहली बारिश में। बिलासपुर से रिपोर्टर शैलेंद्र पाठक। राजपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बकवाड़ी के ग्रामीण आज पहुंचे कलेक्टरेट। नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।
ग्राम पंचायत बकवाड़ी के ग्रामीण आज सरपंच सचिव के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जिसमें ग्रामीणों द्वारा सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीण कहते हैं कि ग्राम पंचायत में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है, सरपंच सचिव हर काम में भ्रष्टाचार करते हैं। इतना ही नहीं, कुटीर के लिए भी ग्रामीणों से 5 से 10 हजार रुपए की रिश्वत ली जा रही है और जो नहीं देता उसे कुटीर की राशि नहीं मिलती। इतना ही नहीं, जिन लोगों को राशि आवंटित की जा रही है उनके खातों की बजाय दूसरे लोगों के खातों में राशि डालकर आहरण की जा रही है। नायब तहसीलदार ने ग्राम बकवाड़ी के ग्रामीणों का ज्ञापन लेकर बड़वानी कलेक्टर को अवगत कराने की बात कही है। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। भोपाल की गांधीनगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। राजधानी भोपाल में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के बाद से फरार हो गए थे आरोपी। गांधीनगर स्थित RGBB कॉलेज के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। 24 मई को गांधीनगर क्षेत्र में शिवाजी बाड़ में एक युवक को चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी, दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस कर रही थी इन दोनों आरोपियों की तलाश। भोपाल के RGBB कॉलेज के पास इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया था, उस दौरान ये लोग मौके से फरार हो गए थे। हालांकि गांधीनगर पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। परिवार वालों के द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद नाराज युवक युवतियों ने जहर खाया और उसके बाद नर्मदा नदी में कूद कर जान देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। गोटे गांव में रहने वाले युवक युवती का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार वालों ने शादी करने से जब इनकार कर दिया तो नाराज युवक युवती आत्महत्या करने के उद्देश्य से जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले जहर खाया और उसके बाद नर्मदा नदी में छलांग लगा दी, लेकिन गोताखोरों ने उनकी जान बचा ली और पुलिस ने उन्हें मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। फिलहाल दोनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। छोटी छोटी सी बातों पर जान देने की ये कोशिशें बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। सोसाइटी प्रबंधक नहीं कर रहे स्वास्थ्य नियमों का पालन। खबर नरसिंहपुर से, जहां सोसाइटी प्रबंधक द्वारा सोसाइटियों में शासकीय नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आए, साथ ही राशन वितरण के दौरान लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। ऐसी लापरवाही के चलते आगामी समय में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। कोरोना दहशत के बीच प्रदेश के लिए राहत भरी खबर। 24 घंटे में 116 मरीज हुए डिस्चार्ज, वहीं 44 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। दरअसल बीते 24 घंटे में 116 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, ये अब तक के सर्वाधिक डिस्चार्ज आंकड़े हैं। वहीं दूसरे ओर प्रदेश में 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। ये नए पॉजिटिव कोरबा से 16, बिलासपुर से 7, रायपुर से 7, मुंगेली से 4, बलौदा से 3, बलरामपुर, दुर्ग और कोंडागांव से 2-2, कोरिया और रायपुर से 1-1 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1,71,000 संभावित व्यक्तियों के पहचान कर सैंपल जांच किया गया और अभी तक 1,715 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें अब तक 831 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं, वहीं 875 सक्रिय मरीज हैं। तो वहीं प्रदेश में 9 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ों की बात करें तो लगातार प्रदेश में संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये खतरनाक स्थिति में नहीं है, लेकिन चिंताजनक है, क्योंकि ये क्वारंटाइन सेंटर में है और ये चिन्हित व्यक्ति है, इसलिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्यराजपूत। डिजिटल रैली के बाद मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने घर घर दस्तक अभियान शुरू किया है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम बड़े नेता बूथ स्तर पर लोगों के घरों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के बाद जहां पहले डिजिटल रैली निकाली गई थी, वहीं अब मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में इंदौर में आज घर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया। इसके जरिए भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ नेता भी अपने घर से निकलकर बूथ स्तर पर लोगों के घर पहुंचे। प्रदेश में इस अभियान के दौरान उपचुनाव से पहले लोगों तक पहुंचकर इसे बुनाने की रणनीति भी भाजपा ने बना रखी है। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ सहित भाजपा के सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में मैदान संभाला और लोगों के घरों पर दस्तक देकर जहां उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई,
वहीं आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोल में भी दिखाया। बीते एक साल में मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का जिक्र करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि साल 2020 इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इंदौर एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। आलू प्याज मंडी के बाद आज से जिला प्रशासन द्वारा फल फ्रूट मंडी को भी सुचारू रूप से चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर पिछले ढाई माह से बंद पड़ी फल मंडी को अब जिला प्रशासन ने मंगलवार से शुरू करने की अनुमति दी है, जिसके बाद फल मंडी को शुरू किया गया। हालांकि इंदौर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ लाइसेंसी फल व्यापारी को ही मंडी में प्रवेश दिया जाएगा, साथ ही में थोक का माल ही खरीदा बेचा जाएगा। मंडी खुलने के पहले प्रशासन ने सोमवार को पूरी मंडी को सैनिटाइज किया था। वही मंडी खुलने के बाद बड़ी संख्या में आम मंडी में आया। मंडी सचिव पुनिया ने बताया कि फल मंडी शुरू होने से कई व्यापारियों को लाभ होगा। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान प्रशासनिक अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। फिलहाल फल फ्रूट मंडी के अंदर लाइसेंसी व्यापारी ही फल फ्रूट खरीद कर थोक में बेच पाएंगे। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए शासकीय कर्मचारी संगठन हुए लामबंद। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए कर्मचारी संगठन हुए एक। कई दिनों से राजधानी भोपाल के शाहजानी पार्क में कर रहे थे प्रदर्शन। अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संगठन व अन्य संगठन हुए सरकार के खिलाफ लामबंद। प्रदेश में लंबे समय से चले आ रहे कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने 30 जून तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो उपचुनाव में सरकार को करना पड़ेगा विरोध का सामना। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हमारे नियुक्तिकरण से सरकार पर कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। पूर्व में 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, जब भी कर्मचारियों ने मांग की थी पर सरकार ने नहीं सुनी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि 30 जून तक मांगे नहीं मानी तो कर्मचारी चुनाव को करेंगे प्रभावित। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को दी 30 जून तक की चेतावनी, अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उपचुनाव को करेंगे प्रभावित। देखना होगा क्या कर्मचारियों की मांगे पूरी होती है या नहीं, एक बार फिर कर्मचारियों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर दिव्य भोपाल। काम की तलाश में गए दूसरे राज्यों में मजदूरों की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के चलते कई मजदूरों को अपने घर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बिहार से काम की तलाश में हैदराबाद मजदूरी करने गए 12 मजदूर लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में फंसे हुए थे और इन्हें ठेकेदार ने भुगतान करने की बात करते हुए इन्हें 3 महीने तक रोक लिया था। अपने मजदूरी की आस में वे 3 महीने तक हैदराबाद में एक टाइम का खाना खाकर रुके हुए थे, लेकिन ठेकेदार ने मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी, लिहाजा परेशान मजदूर अपने घर जाने के लिए हैदराबाद से निकल गए। इस दौरान एक बस ड्राइवर ने उन्हें जगदलपुर तक छोड़ देने की बात कही और यहां से बिहार के लिए ट्रेन या बस मिलने का झूठा आस दिलाया और इन मजदूरों को जगदलपुर तक छोड़ने एवज में एक एक मजदूर से 1500 रुपए वसूल लिए। जब मजदूर जगदलपुर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जगदलपुर से बिहार 1000 किलोमीटर दूर है और यहां से बस या ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मजदूरों ने बताया कि वो 3 महीने तक हैदराबाद की एक कंपनी में अपनी मजदूरी लेने के लिए रुके रहे, लेकिन ठेकेदार ने उनको मजदूरी नहीं दिया तो वह पैदल ही अपने घर निकलने के लिए तैयार हो गए और ठगी का शिकार हुए। बस्तर से रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। राजधानी रायपुर में फिर बदला मौसम का मिजाज, काले घने बादल के साथ रुक रुक कर हो रही वर्षा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक जारी किया अलर्ट। दरअसल मानसून के आगमन के साथ ही राजधानी रायपुर में मंगलवार की सुबह से ही झड़ी जैसे माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ठंडी हवा चलने के साथ लोगों को उमस से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक एस पी चंद्रा ने बताया कि एक चक्र चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उसके आसपास 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मायक द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से पूर्व राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और झारखंड होते हुए जिजंतिका पश्चिम बंगाल और 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक। बता दें कि जून के मध्य में ही छत्तीसगढ़ में मानसून ने इस बार दस्तक दे दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने इस बार सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। ग्वालियर में बैंक नहीं कर रही है प्रशासन के नियमों का पालन, एटीएम मशीनों पर से गायब है सैनिटाइजर। ग्वालियर में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन शहर के अधिकांश एटीएम कोरोना कैरियर के तौर पर काम कर रहे हैं। एटीएम के बाहर ना तो हैंड सैनिटाइजर नजर आ रहे हैं और ना ही कोरोना के संक्रमण काल में एटीएम को किन सावधानियों के साथ उपयोग करना है इसके दिशा निर्देश। ये हालात एक दो एटीएम के नहीं है बल्कि शहर के अधिकांश एटीएम की यही स्थिति है। जबकि अनलॉक बंद के बाद लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और एटीएम का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में बात जाने अनजाने में कोरोना संक्रमण का खतरा मोल ले रहे हैं। हालांकि भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन की साफ गाइडलाइन है
कि बैंक प्रबंधन को एटीएम के बाहर दिशा निर्देश लिखे पोस्टर लगाने होंगे ताकि उपयोगकर्ता उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एटीएम का प्रयोग करें। बड़ी संख्या में लोग एटीएम का यूज करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि बैंकों की ये लापरवाही ग्वालियर के लोगों को भारी न पड़ जाए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन हुआ सख्त, अब सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन और मास्क लगाने की होगी अनिवार्यता। रायपुर में अब मास्क नहीं पहनने वालों को 100 रुपए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों को 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। दो पहिया वाहन पर एक सवारी व चार पहिया वाहन पर दो सवारी की अनिवार्यता भी होगी। मास्क नहीं पहनने सार्वजनिक जगहों पर छूटने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। छूट प्राप्त संस्थानों को यदि वे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं करते तो पहली बार में 500, दूसरी बार में 1000 और तीसरी बार में उनकी मान्यता कर दी जाएगी खत्म। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। नीमच में कोरोना के घटते बढ़ते आंकड़ों के बीच नीमच के स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ी उपलब्धि मिली। नीमच जिला अस्पताल की लैब ने सोमवार रात्रि में पहली बार 4 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है। अब नीमच की लैब भी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि कर पाएगी। इससे नीमच के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को कार्य करने में और आसानी होगी, क्योंकि अब रिपोर्ट के इंतजार में प्रशासन को लंबे समय तक नहीं रुकना पड़ेगा। नीमच के जिला अस्पताल की लैब अब कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की भी पुष्टि कर पाएगी। इससे स्वास्थ्य विभाग को कार्य करने में काफी आसानी होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास राव शिंदे, नीमच। उज्जैन जिले के बड़नगर में लाखों रुपए का गेहूं खरीदी केंद्रों पर खराब हो गया है, जो कि बड़ी लापरवाही प्रशासन की रही। खरीदी केंद्रों पर लाखों का गेहूं हुआ खराब, अंकुरित होकर उगने लगा गेहूं। परिवहन की गति धीमी होने के कारण ऐसा हुआ और प्रशासन की लापरवाही भी इसमें बड़ा कारण रही। गरीबों के मुंह के लिए दिया जाने वाला निवाला अब गरीबों के मुंह तक नहीं पहुंचेगा और खराब हो गया, जो किसी भी काम में नहीं आएगा। ऐसे में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ग्राम रूनिजा खरीदी केंद्र पर प्रशासन द्वारा शेड बना होने के बाद भी खुले में गेहूं तोला गया, जिसका बड़ी लापरवाही रूनिजा प्रबंधक गेहूं खरीदी केंद्र की देखने को मिल रही है। अब देखना है कि शासन प्रशासन इस ओर क्या कार्रवाई करता है। परिवहन की धीमी गति और प्रबंधक की लापरवाही से लाखों का गेहूं हुआ खराब। अब देखना यह है कि प्रशासन जिम्मेदारों पर किस प्रकार की कार्रवाई करता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विजय निमा, उज्जैन। कमला सरकार के पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली कराए जाने के लिए अब लोक परिसर बेदखली के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे। सरकारी बंगला खाली करने के लिए दी गई 15 जून की मियाद निकल जाने के बावजूद कमलनाथ सरकार के किसी भी पूर्व मंत्री ने बंगला खाली नहीं किया है। सरकार ने 22 पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन पूर्व मंत्री फिलहाल बंगला खाली करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। इस मामले में अब संपदा संचालनालय ने लोक परिसर बेदखली के नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है। वहीं पूर्व मंत्री तरुण भनोत यदि 24 जून तक बंगला खाली नहीं करते तो उसमें रखे सामान की नीलामी की जाएगी। बंगला पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा सुकून में वो पूर्व मंत्री रहे जिन्होंने पाला बदल कर बीजेपी सरकार का दामन थाम लिया। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। जांजगीर चांपा जिले में सरकारी अस्पताल में मरीजों के परिजनों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए मरीज के परिजन से पैसे की डिमांड करने वाली स्टाफ नर्स पर एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर शिकायतकर्ता का अब जिम्मेदारों पर से भी विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मामले में बीएमओ डॉक्टर अनिल चौधरी का कहना है कि शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए जांच टीम का गठन किया गया है, जो मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मरीज के परिजन का कहना है कि मामले की शिकायत उन्होंने बीएमओ से कर दी है, मगर कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर अब परिजन काफी निराश नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। कम रेट में तेल और शक्कर दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी, कोतवाली थाने में दर्ज हुआ मामला।
कोतवाली इलाके में शक्कर की दुकान खोलकर प्रदेश के कई कारोबारियों से ठगी करने वाले एक बदमाश के खिलाफ पुलिस ने ठगी का केस दर्ज किया है। आरोपी नासिर हुसैन 17 लाख रुपए और कार की ठगी कर मई महीने में फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसने फातेशाह मार्केट के सामने महाराष्ट्र शक्कर के नाम से दुकान कुछ महीने पहले खोला था। कारोबारियों को फंसने के लिए उसने कम रेट में शक्कर देने और उसके साथ फ्री में तेल देने का वादा कर ठगी की। उसके बाद वह दुकान बंद कर फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक कारोबारियों ने तब कोतवाली पुलिस से शिकायत की है, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया था। फिलहाल कई लोगों की शिकायत के बाद आरोपी ठग के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। देश प्रदेश में तहलका मचाने के बाद आज जिद्दी दल बड़वारा इलाके में दस्तक दी और किसानों की चिंता बढ़ाई। कोरोना महामारी के बीच भारत देश में टिड्डी दल एक नई मुसीबत बनकर भारत के लिए उभरा है। टिड्डी दल देश के अलग अलग राज्यों में दस्तक देकर कई किसानों की फसलें बर्बाद कर चुका है। वहीं आज टिड्डी दल कटनी जिले में चौथी बार बड़वारा इलाके में करोड़ों की संख्या पर पहुंचा, जिससे क्षेत्रीय किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कृषि विभाग लगातार टिड्डी दल से बचने के उपाय किसानों को बताते रहे हैं। उसी के सहारे किसान अपने खेतों में ध्वनि यंत्रों का उपयोग कर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार समेत कृषि विभाग के अन्य आला अधिकारी मौके पर मौजूद होकर सायरन के मदद से टिड्डी दल को भगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बड़वारा के एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। और आइए देखते हैं स्वराज तड़का में क्या है खास।